हेलो निखिल। हेलो हाँ चलिए, आज मैं आपको अपने एक और एनडीए स्टूडेंट से मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने NDA 1 2 क्वालिफाई किया, जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। और निखिल जो है वो मुंबई से है। मैंने अभी आप लोगों के साथ एक और इंटरव्यू शेयर किया था जो ओजस का था, और निखिल और ओजस काफी अच्छे फ्रेंड है। तो निखिल, सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयां। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट था पर आपने इसके क्वालिफाई भी किया, और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि आपने जो कुछ लर्न किया है उसके वजह से और थैंक यू आपकी सर। क्वालिटी के वजह से SSB भी क्वालिफाई करेंगे। थैंक थैंक यू। अच्छा निखिल, मैं चाहूंगा कि आपका जो एनडीए का जर्नी है, क्योंकि एनडीए ऐसा एग्जाम है कि कई बार हम कुछ अटेम्प्ट देते हैं नहीं हो पाता, तो आपकी जो जर्नी है वो मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को बताओ, क्योंकि कई बार बच्चे निराश हो जाते हैं फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, या उनको लगता है अब लास्ट अटेम्प्ट बचा है, अब क्या होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी को बड़े डिटेल में बच्चों को बताएं कि क्या क्या आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में किस तरह से सीखा, और क्या मिस्टेक कर रहे थे, और फिर ये इंपिटस भी ज्वाइन किया, और उसके बाद आपका क्या लाइफ का एक्सपीरियंस रहा। सर, तो सर गुड मॉर्निंग सर। वैसे तो मेरा मैंने एक्चुअली 7th स्टैंडर्ड से सोच के रखा था सर कि आई विल ज्वाइन नेशनल डिफेंस अकेडमी सर, ओके क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री से देखी थी और आई वाज हाईली मोटिवेटेड फॉर इट। बट सर जैसे लाइक 12th खत्म हुआ सर, उसके बाद मैंने मेरे मार्क्स देखे जो 12th में 54% आए थे, ओके okay. और उससे पहले एक अटेम्प्ट दे चुका था मैं एनडीए का, और उसमें सर मुझे -9 मार्क्स आ रहे। तो उस वजह से सर मैंने इतना तो समझ लिया था कि मुझे एक ड्रॉप लेना पड़ेगा सर, ओके क्योंकि क्योंकि मैथ्स में मैं बहुत वीक था सर, और गैट तो चांस ही नहीं था सर, गैट बहुत ज्यादा वीक था। तो सर 54% आया, तो सबसे पहला डाउट तो ये आया सर कि होगा कि नहीं होगा। बट सर माय पेरेंट्स मोटिवेटेड मी सर, और सबसे फिर मैंने खुद से प्रिपरेशन करना चालू करा। फिर आफ्टर दैट सर मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन करी थी, बट वहां पे गाइडेंस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, और मेरा मैथ्स थोड़ा इम्प्रूव हुआ, गैट बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो रहा था सर। ओके उससे भी मैंने फिर 2019 का सेकेंड अटेम्प्ट दिया था सर, ओके ओके जिसमें सर मेरा स्कोर बिलो 200 आ रहा था सर, और मैथ्स और गैट दोनों में बहुत इम्प्रूव करना था सर, बेसिक्स में बहुत प्रॉब्लम था सर, और ओवरऑल डेवलपमेंट करना था सर। ओके और उसके बाद सर मैंने, और एक्चुअली मैंने सर कोचिंग पहले मैं भोपाल ही आने वाला था सर, बट पेरेंट्स बोल रहे थे इतना दूर जाओगे जमेगा नहीं, कैसे रहोगे, सो मुझे पूना भेजे गया। बट फिर मैंने सर लाइक लास्ट अटेम्प्ट में सोच लिया कि अब जाना है तो भोपाल जाके क्लियर करेंगे इस बार। ओके सो सर मैंने आपको कॉल किया था सर, एंड सर मैंने पूछा था कि सर मैं आ जाऊं सर, मेरा इतने इतने मार्क्स है। बोले आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। सर मैंने फिर ट्रेन पकड़ के पहला बैच जो स्टार्ट होने वाला था सर, दिसंबर 2 तारीख को चालू होने वाला था सर, तो मैंने पहला दिन ही अटेंड किया था। फिर वहां पे हॉस्टल में अपने दोस्तों से मिलाया, टीचर्स भी अच्छे थे सर। दूसरी बात सर, मुझे लाइक एक चीज समझ में आई सर कि कितना कोचिंग आप कितने भी चले जाओ, लेकिन सर एक गाइडेंस होता है, और कोचिंग में बहुत फर्क है सर, कि कोई पढ़ा देता है और कोई गाइडेंस देता है, उसमें बहुत सर। और मुझे लगता है एक सर आप वही चीज अच्छी करते हो कि आप गाइडेंस देते हो सर, आई थिंक। और पढ़ाते सर मैथ्स में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना और आपका तरीका बताना कि रिवीजन कैसे करना है, और अगर आपको कौन सी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, और फिर एग्जाम देके वीकली टेस्ट जो होते हैं उससे आप कैसे निकाल सकते हो कि आपको क्या स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है। और आई थिंक सर जो शेड्यूल था हमारा, आई थिंक इट प्लेड द मेजर रोल सर, उससे बेटर चीज नहीं थी सर, कि सुबह उठना 6 बजे उठना एवरी डे, फिर गोइंग टू लाइब्रेरी विद ओजस सर, एज यू मेंशन सर वी यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी। फिर उसके बाद जैसे 12-2 बजे आपका लेक्चर रखना सर, 3 लेक्चर हर रोज होते थे सर, कि आपका फर्स्ट एंड फिजिक्स एंड गैट का 2 लेक्चर सर, तो टाइम टेबल एक्चुअली सर सेम होने के कारण से एक कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहती थी सर हर रोज पढ़ने का। और आप जैसे बोलते थे कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो सर मुझे लगा कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बहुत जरूरी थी सर, और मुझे आपकी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, और जो जो माहौल था सर उसकी तरफ से बहुत मिला, और सर कि कैसे स्ट्रेटेजी, मेन चीज सबसे मुझे लगी कि सर वीकली टेस्ट सर वो सबसे इंपॉर्टेंट लगा सर, उससे मुझे पता चला कि मैं एग्जाम में किस चीज में लाइक मेरी क्या मेरिट्स है, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है और मेरी क्या वीकनेस है,
तो सर मैंने एज आप बोलते हो कि सर सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करो और इससे मार्क्स लाओ, तो वैसे ही सर मैंने मेरी जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थी उसको पढ़ के सर मैंने मार्क्स लाए। बिल्कुल सही बात है निखिल, और आपने जो बात बोली मेरी भी कोशिश ये होती है कि टीचर्स बहुत पढ़ा रहे होते हैं पर इम्पोर्टेंट बात है कि हम किस ढंग से गाइड हो रहे हैं और क्या हमारा रूटीन है। और मुझे याद है जब तुमने मुझे फोन किया था तो 12 के परसेंट बताए थे, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनडीए में 12 का परसेंट मायने नहीं रखता, आपने खुद भी देखा राज का इंटरव्यू राज पटेल का, और वो अपने आप में 48% होने के बाद भी क्वालिफाई, और 12 का परसेंट बाद में भी कोई रोल नहीं अदा करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस लेवल। और वो जो आप में यहाँ आके आया वो मैंने फील किया कि कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं कई बार, पर एक सही गाइडेंस सही डायरेक्शन मिल जाए तो उसका फायदा होता है। ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि इम्पिटस में इतना पढ़ाया जाता है कि उसके बाद अगर कोई बच्चा ना पढ़े बस वही एक बात हो सकती है, अदरवाइज अगर कोई पढ़ ले तो शायद ही ऐसा हो कि उसका ना निकल पाए। सर दूसरी बात सर लाइक टू से कि आप कोट्स लिखते थे सर रोज नोटिस बोर्ड पे सर, बहुत सच्ची में मदद करते थे सर, और मुझे सर मैथ के टाइम क्लासेस में ऐसे कभी नहीं लगा नहीं कि एंजॉय नहीं कर रहा हूँ सर, क्योंकि सर आप क्वेश्चन देते और सब लोग लग जाते थे क्वेश्चन सॉल्व करने को सर, और एक कॉम्पिटिशन का माहौल होता था कि पहले जवाब कौन देगा सर, उस माहौल में सर ये ध्यान नहीं रहता है कि ये क्वेश्चन हार्ड है कि इजी है, बस करने लग जाते लोग। बिल्कुल सही बात है, और सबसे बात है कि एंजॉय आना चाहिए पढ़ाई में, और हम लोग यही कोशिश करते हैं। अच्छा निखिल मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे ये लास्ट अटेम्प्ट था तो मन में बहुत क्वेश्चन प्रेशर होता है, तो जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट होता है उनके लिए आपको क्या मैसेज है, जिनका चाहे लास्ट हो चाहे सेकेंड लास्ट, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर मैं कहूंगा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी लास्ट अटेम्प्ट जैसे ही दो, सबसे पहली बात तो सर। बिल्कुल सर, दूसरी बात फर्स्ट अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट अगर ये भी नहीं सोचना है तो जाने दो सर, नॉलेज पे ध्यान दो और ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दो सर, इस बार नहीं निकला तो नेक्स्ट टाइम सर ये दिमाग में रखना है कि क्या कमजोरी थी। और दूसरी बात सर डेली असेसमेंट सर, खुद को सेल्फ असेसमेंट सर, मैं हर रोज डायरी लिखता था सर, आई यूज टू राइट एवरी कि मैं कैसे आज मैंने कैसे बिहेव किया, क्या चीज बेटर कर सकता था सर, और आज जो पढ़ा हुआ हर रोज रात को जाके एक बार बिना देखे, जैसे आप बोलते हो सर बिना देखे दिमाग में रिवाइज करता था सर, तो उससे बहुत मदद मिलती। यस सही बात है, देखो ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का रिवीजन होना बहुत जरूरी है, और ये आपने फॉलो किया। अच्छा जीएटी के लिए क्या सजेशन है आपका बच्चों को, और जीएटी में भी स्पेशली करंट अफेयर्स को लेके क्या तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी रहता था, क्या तरीका होता था, वो बच्चों को बताओ। सर मैंने करंट अफेयर्स बिल्कुल छोड़ दिए सर, मैंने करंट अफेयर्स जरा भी नहीं पढ़े थे सर, और मैंने सिर्फ उस पर ध्यान देखा, जैसे मैं फुल लेंथ टेस्ट होते थे तो मैंने देखा कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है सर, उसमें मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते थे, फिजिक्स में अच्छे आते थे, बायोलॉजी अच्छा था और ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स अच्छा था, तो सर मेरे दिमाग में मुझे क्लियर था कि गैट में क्या क्या पढ़ना है। ओके। तो बहुत सारे ऑप्शन जैसे हिस्ट्री था केमिस्ट्री था सर, ये ऑप्शन मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किए थे सर, करंट अफेयर्स में बिल्कुल टच नहीं किए थे सर। और दूसरी बात सर मैं मैथ्स तो कंपलसरी था तो सर हर रोज मैथ्स पढ़ता था, फिर गैट में भी सर जैसे इंग्लिश में इंग्लिश हर रोज प्रैक्टिस करना, भले वो 5 सवाल क्यों ना हो इंग्लिश के, हर रोज प्रैक्टिस करता था सर। फिजिक्स फारके सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था सर, बेसिक्स से एकदम, और फारके सर और मैं और ओजस फारके सर एक स्पेशल बॉन्ड था ही सर कि एस वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र तो सर मराठी में बात करना और ऑल दैट। सर मैथ्स में फिजिक्स में सर एकदम बेसिक्स पढ़ाते थे जो एनडीए में एकदम बेसिक ही सीखना होता है सर, एकदम टॉप लेवल, और वही सर हर रोज रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट था कि जितना पढ़ा बस मैंने उसको अच्छे से रिवाइज किया था और कुछ। देखिए निखिल ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जैसे मैंने जब ओजस से बात की तो ओजस ने मुझे बताया करेंट अफेयर्स के लिए वो रोज अपने नोट्स बनाता था और उसको उसका बहुत फायदा मिला। निखिल ने बोला कि उसको लगता था कि शायद करंट अफेयर में अच्छा नहीं कर पाएगा, उसने दूसरे सब्जेक्ट में ध्यान दिया, यही स्मार्ट पढ़ाई होती है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप जीएटी का पेपर दे रहे हैं 600 मार्क्स का है, 300 मार्क्स लाना है तो आपके पास 300 मार्क्स के बाद 300 छोड़ने का स्कोप है। तो इसने वो चीज जिस पे इसको लगता था कमांड नहीं है इसने उसको स्केप कर दिया, और हर बच्चे का अलग अलग रूल होता है, इसलिए आप इसकी बात ये सुन के ये मत सोचिए करंट अफेयर नहीं पढ़ना, या ओजस की बात सुन के ये मत सोचिए करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और ये मुझे निखिल बहुत अच्छा लगा कि हर एक बच्चे का अपना अपना तरीका होता है। तो जीएटी में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आप देखिए कि आप फिजिक्स से अच्छा कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं,
या पॉलिटी से कर रहे हैं, एसटी से, जिससे कर रहे हैं उसको मजबूत बनाओ, और जिससे बाईचांस नहीं कर रहे हैं उसको स्कैप करने पे भी देखो कितना लॉस हो रहा है, अगर ज्यादा लॉस नहीं तो आई थिंक छोड़ सकते हैं। और ये प्लानिंग मुझे लगता है आपकी काम आई, क्योंकि जो चीज हमारी वीक है अगर आप उस पर शायद ज्यादा ध्यान देते तो हो सकता है जो आता है वो भी खो देते, तो वो उस पर आपने फोकस नहीं करा। ये मेरे ख्याल से बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि जब ओजस ने बताया था कि सर मैं रेगुलर नोट्स बनाता हूं, तो वो उसका अपना तरीका था और ये तुम्हारा अपना तरीका था, तो ये एक चीज अच्छी है और ये जूनियर्स के लिए समझना बहुत जरूरी है सर। और ये आई थिंक ये जो स्ट्रेटेजी होगी वो पास्ट ईयर्स करने के वजह से, और डेली जो टू संडे टेस्ट होते थे सर उसको जाकर घर पे खुद एक और बार टेस्ट था और फिर देखना कि मैं कैसे और अच्छे से दे सकता था और क्या करूंगा तो और बेटर हो सकता हूँ सर। तो ये असेसमेंट बहुत जरूरी था सर टेस्ट के बाद। गुड यस सर। तो चलो निखिल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप मुंबई महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है तो अपना ध्यान रखना है। और एक और बात बोलना चाहूंगा कि जब आप वापस महाराष्ट्र चले गए थे ये जब लॉकडाउन हुआ था, तो उसके बाद भी अपनी पढ़ाई पर आपने क्या चीजों का ध्यान रखा, क्योंकि जब घर से नहीं निकलना है एक प्रेशर निगेटिविटी है, तो उस समय आपका मेंटल लेवल कैसा था और क्या सोचते थे आप? सर एक चीज तो थी कि मुझे पता था कि सर डिसिप्लिन रहना घर पे ज्यादा मुश्किल होगा सर, तो सर एक टाइम टेबल, मैंने स्ट्रिक्ट टाइम टेबल रखा था सर कि ये हर रोज फॉलो करना ही है सर, और पेरेंट्स को भी बोल के रखा था कि कुछ भी हो जाए ये फॉलो करने में मुझे आपको भी मदद करनी है सर, कि घर पे वैसा माहौल बना के रखो सर। और आई थिंक पेरेंट्स उस चीज में बहुत मदद करी सर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही थी सर कि एक डिसिप्लिन रहना घर पे, शायद से सर डिसिप्लिन रहना मुश्किल हो जाता है, तो सबसे पहले ये था सर। और दूसरा सर मेजॉरिटी चीज क्लासेस पेंडेमिक होने के पहले खत्म हो चुकी थी सर, बट स्टिल सर मैंने उसको बस रिवाइज किया सर, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा किया ही नहीं था सर, जस्ट मैंने रिवाइज किया सर। देखो निखिल ने कितनी अच्छी बात बोली डिसिप्लिन, और वैसे भी मेरा ये मानना स्ट्रॉन्गली कि एनडीए का वर्ड डिसिप्लिन से स्टार्ट होता है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो एनडीए में जाना ही बेकार है। तो ये देखो इसने फॉलो किया। चलो आप निखिल आपको बहुत सारी फिर से शुभकामनाएं, अब आप अपना फोकस पूरे समय एसएसबी पे लगाए रखिए, आपको भी पता है कि एसएसबी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस और ऑनेस्टी, क्योंकि आप जो हो अब वो आपको जाके प्रेजेंट करना। अभी तो आपने रिटर्न दिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। और मैं एक और बात बोलूंगा, एसएसबी देने जा रहे हो तो ये सोच के भी नहीं जाना है कि क्या होगा, क्योंकि आपको मैंने हमेशा आप सबको ट्रेनिंग दी है कि अगर डिफेंस में जाना है तो रास्ते बंद नहीं होते, इतने रास्ते हैं, तो आप ये सोच के जब नहीं जाएंगे तो एक प्रेशर फ्री रहोगे और उसका फायदा कहीं ना कहीं एसएसबी में मिलेगा। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।